आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है, हर घर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है। चार साल के भीतर ही पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा नए परिवारों को पाइपलाइन से नल से जल की सुविधा मिली है। लेकिन हर घर जल देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कछुए की रफ्तार से काम कर रही है। बताइए, ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माताएं बहनें जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं, उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करोगे क्या? आपके आशीर्वाद रहेंगे? साथियों, उसे माताओं बहनों बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहां की सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर रही है। साथियों, हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आयुष्मान कार्ड से देश भर में करोड़ों गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज हुआ है। इससे इन परिवारों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। लेकिन गरीब एससी एसटी इनकी विरोधी टीएमसी यहां के 1.25 करोड़ परिवारों को इसका लाभ नहीं देने देती। आप मुझे बताइए, गरीब को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बीमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सरकार का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखिए, ये गरीब विरोधी टीएमसी वो भी नहीं करने देती। देश के करोड़ों लोगों को मोदी बीमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है, क्योंकि टीएमसी मना कर रही है।